अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालातों में लगातार सुधार होता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए 8,970 संक्रमित मिले हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 14.7 से घटकर पॉजिटिविटी रेट 13.8% पहुंच चुका है। 6,679 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। 84 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते जान गई। वहीं भोपाल में 1,593 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए। तो प्रदेश में लगातार कोरोना के हालातों में सुधार हो रहा है। 1,196 लोगों की कोरोना रिपोर्ट राजधानी भोपाल में पॉजिटिव आई है। 4,600 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। कोरोना संक्रमित 4 लोगों की पिछले 24 घंटे में राजधानी भोपाल में मौत हो गई। कोरोना के हालातों में लगातार प्रदेश में सुधार होता दिखाई दे रहा है। पॉजिटिविटी रेट 13.8% पहुंच चुका है। चलिए इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जान लेते हैं। हमारे साथ दुष्यंत लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, लगातार देखा जा रहा है पिछले दिनों से पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है। अब 13.8 पर पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुका है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी दुष्यंत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए तो हम दुष्यंत से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो कोरोना संक्रमण के हालातों में थोड़ा सा सुधार दिखाई दे रहा है। राहत भरी खबर यह है कि दिन प्रतिदिन कोरोना के जो आंकड़े पहले हर दिन बढ़ते हुए नजर आते थे, हर दिन का आंकड़ा पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ देता था, तो वहीं अब पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में पॉजिटिविटी रेट में कमी देखी जा रही है। दिन प्रतिदिन आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। 14.7 जो पॉजिटिविटी रेट था वो घटकर 13.8% पहुंच चुका है। 6,679 मरीज जो हैं पिछले 24 घंटे में स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। वहीं 84 लोगों की प्रदेश भर में कोरोना के चलते मौत हो गई। राजधानी भोपाल में 4 संक्रमितों की मौत हुई। वहीं 4,600 सैंपल जांच के लिए राजधानी भोपाल में भेजे गए थे, जिनमें से 1,196 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में थोड़ी सी कमी तो देखी गई है पिछले दिनों, और उम्मीद भी यही है कि लगातार आंकड़ों में कमी देखी जाए ताकि कोरोना को जल्द से जल्द मात दी जाए और इससे निजात मिल सके। भोपाल में 1,593 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए, यानी कि जितने मरीज जो कोरोना संक्रमित पाए गए उनसे ज्यादा आंकड़ा रहा स्वस्थ होने वालों का। वहीं 24 घंटे में 8,970 मरीज प्रदेश भर में सामने आए हैं। तो प्रदेश के राजधानी भोपाल के साथ साथ प्रदेश भर में भी कोरोना की स्थिति पहले से बेहतर है, पहले से सुधार है। आंकड़ों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी देखी जा रही है और उम्मीद भी यही है कि आगे दिन प्रतिदिन यही कमी बरकरार रहे ताकि कोरोना से जल्द ही निजात मिल सके, आंकड़ों में ऐसे ही कमी आती रहे। हालांकि पॉजिटिव कोरोना संक्रमित से मौत के आंकड़े में ज्यादा अंतर नहीं देखा गया है। पिछले 24 घंटे में 84 लोगों की प्रदेश भर में मौत हुई है। चलिए दुष्यंत हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, क्या रही मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति? हाँ बिल्कुल, देखिए रितु, जिस तरीके से लगातार ये देखने में आ रहा है कि कोरोना के जो लगातार पॉजिटिविटी रेट जिसमें वृद्धि हो रही थी, अब वो कम होती हुई नजर आ रही है। कल ही 14.7% दर्ज की गई थी और आज पॉजिटिविटी रेट 13.8 दर्ज की गई है। तो ये जरूर माना जा रहा है कि लगातार जो पॉजिटिविटी रेट है जिसमें कमी आ रही है, और आगामी दिनों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिए हैं कि अगर 5% से कम या 10% से कम जो पॉजिटिविटी रेट रहती है, तो उन जिलों में कहीं ना कहीं जो कोरोना कर्फ्यू खुलने के आसार भी नजर आ रहे हैं और संभावना भी है, और साप्ताहिक रेट जो है वो अगर कम होगा तो कहीं ना कहीं जो कोरोना कर्फ्यू है उससे लोगों को निजात मिल सकेगी। साथ ही साथ इस बात को लेकर भी जिस तरीके से अगर पूरे पॉजिटिविटी रेट और मौतों के आंकड़ों की बात की जाए, तो 84 लोगों की पिछले 24 घंटे में जान गई है और लगभग 6,500 से ज्यादा मरीज जो है वो अपने स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। राजधानी भोपाल में ही 1,593 जो लोग हैं वो संक्रमण से ठीक होकर अपने घर लौटे, तो 1,196 लगभग 1,200 लोग जो है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये जरूर कहा जा रहा है कि कोशिश सरकार की जो प्रयास थे कोरोना कर्फ्यू लगाकर,
लोगों को घर में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, और जो रेट है पॉजिटिविटी रेट है वो अब कम होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल दुष्यंत, बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। तो प्रदेश में लगातार आंकड़ों में आप कहीं ना कहीं कमी देखी गई है, हालातों में पहले से सुधार है और उम्मीद भी यही है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही पॉजिटिविटी रेट घटता रहे ताकि कोरोना संक्रमण से जल्द ही निजात मिल सके।